जैसा कि सबको पता है, युद्ध चल रहा है। झूठी सच्ची बहुत सारी खबरें जो हैं कुछ बनाई जा रही हैं, कुछ प्लांट हो रही हैं। पर हमें पता है, जिनको बाइबल नहीं पता है वो लोग बहुत सारी इसराइल की बुराइयां भी कर रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल पे। पर हमें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ कह रहे हैं इसराइल यहाँ आया ही क्यों, उसने बीच में टांग अड़ाई क्यों 1948 में। इसराइल अपने दम पे कुछ नहीं करता है, वो यहोवा के ही दम पे करता है। यहोवा ने ही वायदे दिए, भर भर के वायदे हैं। पढ़ो बाइबल, पुराना नियम में भी वादा है, नया नियम में भी वादा, सब सब सारे वादे आज की तारीख में पूरे हो रहे हैं। चाहे वो आमोस की भविष्यवाणी हो, चाहे वो होशे की भविष्यवाणी हो, चाहे वो यशाया की भविष्यवाणी हो, जो भी, हर जगह उसने कहा है कि तुमको वापस लौटा के लाऊंगा, यहाँ Amen. बसाऊंगा, फूलोगे फलोगे। वो हो रहा है, और इसराइल अभी भी यहोवा के पैटर्न पे जी रहा है, मार काट वाले पैटर्न पे। एक चीज जो हमें इसराइल के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु, और वचन कहता है कि उसको आशीष दोगे तो आशीष पाओगे। भले ही Amen. वो कहीं अगर गलती कर रहा है, तो प्रभु कहता है वो मैं देखूंगा। तुम न्यायी मत बनो अपने बड़े भाई के, क्योंकि वो Yes. हमारा बड़ा भाई है, पहलौठा है, परमेश्वर का चुना हुआ। मसीहा के आने को उसने मिस कर दिया, और अभी भी यहूदी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती उनसे हो गई, ये शैतान की चाल उनके जीवन में कामयाब हो गई। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि शैतान कैसे चालें चलता है, और हमें कैसे आत्मिक बुद्धिमान होना है कि हम उसकी चालों का काट अपने पास वचन के द्वारा और आत्मा की अगुवाई में रख सकें, ताकि Amen. हम वो गलती ना करें। इसराइल से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हम और आप तो धन्य हैं, कम से कम, जो भले ही इसराइल में नहीं पैदा हुए, पर हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं, हमने पहचान लिया उस मसीहा को, हमने उसको ग्रहण कर लिया। Amen. और ये उसका अनुग्रह था, हमारी भी कोई कुवत नहीं। हमने से कोई ये ना सोचे कि हाँ, देखो हमने अपना लिया। वो कहता तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो हम देखेंगे शैतान कैसे कैसे काम करता है, और उसके कौन कौन से स्पिरिट होते हैं जिससे वो बहकाता है, जो उस अपोस्टल को सही वचन सिखा रहे थे। प्रिस्का और अक्विला, वो उसको ले गए थे, अपुल्लोस को अपने घर ले गए थे, उसको सही वचन सिखा रहे थे। वचन मालूम था, पर सही तरीके से नहीं मालूम था। शैतान की यही तो चाल है, वो वचन का उल्टा अर्थ समझाने की कोशिश करता है। ईडन गार्डन में भी तो यही हुआ था ना, वचन का उल्टा अर्थ समझा रहा था ना। प्रकाशित वाक्य 12:12। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ शैतान, यहां से वचन शुरू होता है, जो टॉपिक है हमारा। शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, तुम्हारे पास उतर आया है, दूर नहीं बैठा है, उतर आया है। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि जानता है कि उसका अब थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान को ये पता है। क्या हम और आप जानते हैं कि थोड़ा ही समय बाकी है? थोड़ा ही समय क्यों बाकी है? क्योंकि उसको पता है यीशु आने वाला है। क्या हमें और आपको पता है कि यीशु आने वाला है? क्या हमें पता है कि अब थोड़ा ही समय बाद? शैतान को पता है। देखो, शैतान को बाइबिल पता है, इसलिए तो वो उसको ट्विस्ट करता है, जो अर्थ है उसको अनर्थ करके समझाता है। और उसको ये भी पता है, जब यीशु ने वो जो सेना समाई थी, जिसके अंदर उसको दुष्ट आत्माओं को निकलने का हुक्म दे रहे थे, तो वो कह रहा था कि वो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से, एक्चुअली वो नहीं बोला था, दुष्ट आत्माएं बोल रही थी कि क्या तू तो समय से पहले हमें दुख देने आ गया। उसको पता है। लोग कहते हैं नहीं, शैतान के बारे में नहीं बात करनी हमें, हम बस प्रभु में मगर। अरे बाबा, एलिशा को भी प्रभु यहोवा विरोधी राजा के शयन कक्ष की बातें बता देता था, ताकि इसराइली और उनका राजा जो है वो बच जाए, सेफ स्टेप लें। हर अमीन बार मूर्खता की तरह शैतान का सामना करने मत पहुंच जाओ। कहां बच के निकलना है वहां निकलो, हर किसी से हमें बहस नहीं करनी है। जैसे हम कहते हैं हम सब इवेंजलिस्ट हैं, हमें सुसमाचार सुनाना है, तो जो अलग अलग लोगों को सुनाते हैं तो अलग अलग रिएक्शन भी तो मिलते हैं। मूर्खों की तरह बहस मत करने लगो, बुद्धिमान, आत्मिक बुद्धिमान बनो। कहाँ मिठास के साथ बात को वहीं खत्म करना है, कहाँ जैसे मैंने एक बार बताया था ब्लॉक ही करना पड़ा नंबर, वहां ब्लॉक भी कर दो बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बुद्धिमान बनना है। तो लोग कहते हैं नहीं, शैतान की बात मत करो, हमें नहीं सुनना। अरे बाबा, सामने वाले क्रिकेट खेलते हैं तो सामने वाले टीम के जो प्लेयर होते हैं उनकी हरकतें हमें पता होती है ना, पिछली हिस्ट्री से, कि अगर ये बॉलर आएगा तो हमको ऐसे वाले बैट्समैन को उतारना है। हर गेम में ये होता है, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, हमें पता होता है ना। तो शैतान की पिछली हिस्ट्री हमें बाइबल से पता है ना, उसकी चालों से अनजान नहीं है ना। तो अमीन हमें पता हो, ताकि हम बुद्धिमान बने कि चलना कैसे है इन अंत के दिनों में, जबकि अंधेरा बढ़ रहा है। हम प्रकाश के लोग हैं, हमें बहुत बुद्धिमानी से चलना है। Amen? दूसरा कुरिन्थियों 2 चैप्टर, उसका 11वां वचन।
शैतान का दांव अपने ऊपर मत चलने दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो ट्रिकी है, वो ट्रिक करता है, वो गेम खेलता है, ट्रिक्स, वो ऐसी युक्तियां भिड़ाता है कि जो अपने को समझता है कि वचन के जानकार है, बुद्धिमान है, वो भी उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए पौलुस कह रहा है, दांव चलने मत देना, उसको तुम पे हावी होने मत देना। कब? जब आत्मा में अलर्ट रहोगे तब। पहला पत्रस उसका 5वां चैप्टर उसका 8वां वचन, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको मार पाए। पत्रस कह रहा है, क्यों कह रहा है पत्रस? ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, पता है, यूं ही लेटर नहीं लिख रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा है। क्या एक्सपीरियंस पत्रस का? मरकुस 16 में उसके 16वें वचन में, जब यीशु कहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, फिर पूछते हैं अपने चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पत्रस कहता है तू जीवते परमेश्वर का मसीह है। यानी उस वक्त, और यीशु ने कहा कि खुद पिता ने, मांस और लहू ने तुम पे बात, तुम शरीर में होके नहीं बोल रहे हो, खुद आत्मिक रूप से आत्मा ने तुम पे ये बात प्रकट की है, पिता ने तुम पे ये बात प्रकट की है, जब सब, और तू, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊं, जब सबके आगे पत्रस की तारीफ हो गई। मान लीजिए अभी कोई क्वेश्चन पूछा और ब्रदर ने आंसर दे दिया, अब मैं कहूंगी भाई ताली बजाइए, बिल्कुल सही आंसर दिया, अब ब्रदर मनी मन भूल गए, देखा पास्टर ने मेरे लिए ताली बजाई, मुझे आता है, सब पूरी बाइबल आते हैं, उसी क्षण को पकड़ेगा, वही क्षण पकड़ेगा। पत्रस के साथ यही हुआ, जैसे ही सबके आगे, क्योंकि चेलों में आपस में कंपटीशन होता है, वाद विवाद होता है, तो लिखा है बाइबल में कौन ज्यादा महान है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा महान है, किसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, यीशु किससे ज्यादा प्यार करते हैं, होता था, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। उसी क्षण उसके अंदर घमंड आ गया। शैतान को तुम्हारे अंदर विचारों से खिलवाड़ खेलने में बड़ा मजा आता है, और वो यही करता है, और इसके लिए कई बार वो अपने लोगों को भी यूज करता है जो उद्धार पाए हुए नहीं है, और कई बार वो आपकी सिचुएशन को यूज करता है। वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था, चेले थे, यीशु थे, पत्रस था, जिनका उद्धार ना हुआ, उद्धार हुआ था, बपतिस्मा पाए लोग थे, लेकिन उसकी सिचुएशन को यूज किया। जैसे ही तारीफ हुई पत्रस, देखा मुझे पता था जीवते परमेश्वर का मसीह, तुम लोग को पता नहीं था, मुझे पता। शैतान वो उसके अंदर, उसने बाहर से नहीं दिखाया ये चीज, ऐसे बॉलर अप करके, अंदर ये चल रहा था, शैतान ने पकड़ लिया। अगले ही पल उसी चैप्टर में यीशु कह रहे, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। वही व्यक्ति जो आत्मा की बातें कर रहा था, वही व्यक्ति शैतान की बातें करने लगेगा, क्योंकि शैतान उसके ऊपर फाड़ खाने वाले की तरह एकदम निशाना लगाए रहता है कि कब घुसाऊं अपने पंजे। जैसे मच्छर आता है ना, ऐसे ऐसे उड़ता रहता है, बैठता है, फिर एकदम सडन चुभाता है, वो देखता है, वो बैठता है, तुम्हारे विचारों के ऊपर मंडराता है, और जैसे ही विचार में कहीं तुम गिरे। इसलिए पत्रस अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, वही पत्रस, सेम चैप्टर, अभी थोड़ी देर पहले बड़ाई हो रही थी, अभी थोड़ी देर बाद डांट पड़ रही हूँ उन्हीं चेलों के सामने, जबकि उसने सामने से एक्शन नहीं दिखाया होगा, ऐसा मुझे लगता है, मन में सोचा होगा और वो पकड़ लिया शैतान ने। इसलिए वो कह रहा है कि अलर्ट रहो, जागते रहो। ईडन गार्डन में क्या किया था उसने हव्वा के साथ, अदन की वाटिका में, जो उत्पत्ति 3 में वो आया था बहकाने, तो उसने कैसे बहकाया? आपको क्या लगता है वो एक बार पहली बार आया, उसने सांप से कहा कि भाई मुझे अपनी बॉडी दे दो, क्योंकि मैं स्पिरिट भी हूँ तो मुझे कोई बॉडी चाहिए, तब मैं बात करूंगा, तो सांप ने कहा मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा तुमको इन इंसानों से पूजा करवाना शुरू करवा दूंगा, उसने कहा ठीक है ले लो बॉडी, और वो आके बात किया और हवा फिसल गई एक ही बार में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, जरूर से जरूर वो आता रहा होगा, बात करता रहा होगा, फैमिलियर हो गया होगा। हो सकता है कई बार आदम के सामने भी बातचीत चलती और आदम ने ध्यान ना दिया हो, और फिर उसको ये पता लग गया, जैसे जो आतंकवादी लोग होते हैं वो पहले पूरा मुआयना करते हैं ना, कि किसी जगह पे अगर बम ब्लास्ट करना है तो किस समय, इस बाजार में अगर करना है तो यहाँ भीड़ का समय कौन सा रहता है, पीक टाइम कौन सा रहता है, ये मुआयना करते हैं ना। तो पहले शैतान शायद ऐसा मुआयना कर रहा होगा, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में आदम को उस बगीचे की रखवाली की जिम्मेदारी, वो काम दिया था, वो जॉब पे था, अपॉइंट किया था परमेश्वर, जैसे ही किसी को चुनता है उसको जॉब, और नया नियम में भी, पुराना नियम में भी, काम करने वाले लोगों को पकड़ता है, खाली बैठों को नहीं पकड़ेगा, जो काम कर रहा है उनसे ही अपना काम लेगा, उसने जॉब दे दिया था आदम को। उत्पत्ति 2:15 में लिखा है बगीचे के उसकी रखवाली का, उसने मालीगिरी का काम दे दिया था, उसको पता था, शैतान ने ये चीजें देख ली थी रोज रोज आके कि किस टाइम आदम कितनी देर हवा से दूर रहता है, और हवा की बातों के तरीके से उसके मन की था ले ली होगी
कि किस तरीके से ये बहक सकती है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाता है। इसलिए हमको इन अंतिम दिनों में ज्यादा बुद्धिमान होना। और उसने क्या, उसके देखो शैतान के पास क्या है, निराशा है, बीमारी है, तकलीफें हैं, घमंड है, कंपटीशन है, जलन है, यही सब चीजें तो हैं, धोखा है, छल कपट है, यही सब है। तो उसने वही चीज हवा के अंदर डाली कि तुम सोचो, जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने उनको बनाया है, जो अपना महिमा का सिंहासन छोड़ के उनसे रोज मिलने आता है, अपनी महत्व अपनी महानता छोड़ के दिन के ठंडे समय वाटिका में हवा आता है, उसी के खिलाफ भड़का दिया, जो उनकी भलाई चाहता है, जो उनको आगे बढ़ाना चाहता है आदम और हव्वा को, उसी परमेश्वर के खिलाफ भड़का दिया, उसी के खिलाफ भड़का दिया कि परमेश्वर पता है क्यों मना कर रहे हैं, तुम उसके बराबर हो जाओ। वो चाहता नहीं कि तुम उसके बराबर हो जाओ, समझ में ज्ञान में वो चाहता नहीं है, ऐसा भड़का दिया। अरे जब तुम खाओगे ना देखना बराबर हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यही तो उसने किया था, बराबरी तो की थी उसने, यही तो किया था, बराबरी तो की थी। जैसे आज हम लोग आते टाइम बात करते, पास्टर कहते वर्शिप लीडर बड़े खतरे में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना वो वर्शिपर था, जो वर्शिप कराने वाले होते हैं। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं कि प्रभु हमको वर्शिप टीम दे, तो पास्टर ये कहते हैं प्रार्थना ये करो हम्बल और सबमिसिव स्पिरिट के लोग, जब तक उसकी ओर से अगुवाई ना मिले, क्योंकि हम एक बार धोखा खा चुके हैं, मालूम है एक बार हो चुका है, जब तक थोड़े ही लोग थे, वो वाली बात हो गई, गांव वसाने लुटेरे पहले आ गए वो वाली बात हो गई थी। तो जब तक आत्मा से हमको नहीं मिलेगा इंट्यूशन कि हाँ इसको लाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की वेदी है, हाँ ये सबमिसिव रहेगा, ये अपनी चाल नहीं चलाएगा। अगर पास्टर कह रहा है ये वाला सॉन्ग इस नंबर पे रखना है, तो नहीं पास्टर जी ये नहीं, ये सॉन्ग इस नंबर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहां काम खराब हो जाएगा। तो हम यही प्रेयर करते हैं परमेश्वर सबमिसिव स्पिरिट के लोग, हम्बल स्पिरिट के लोग, जिनको आपने चुना हो उनको देना, भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है पर सही देना। हमको अब अपनी इंसानी बुद्धि लगानी नहीं, और यही वो करते हैं लोगों के बीच में, शैतान यही करता है, स्पेशली वर्शिपर्स को एक घमंड आ जाता है। जब वर्शिप की तारीफ होने लगती, सब कुछ होने लगता है, तो सबसे पहले जैसे पतरस भर गया था उस चीज से वो भर जाता है, क्योंकि शैतान की यही चाल है, वो यही करता है, क्योंकि वो कैसे तुमको गिराएगा, वो चाहता है कि उसके पास जो चीज नहीं है वो तुमको भी ना मिले, उसके पास स्वर्ग नहीं है, वो चाहता है कि तुमको भी ना मिले, उसके पास परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, इसलिए तो पहले इंसान का उसने रिश्ता तोड़ा परमेश्वर से। उसकी चालों से अनजान मत रहो। जैसे हम परमेश्वर के रिश्ते में मजबूती से बढ़ते हैं, उसके लहू की वाचा में हमारे पास सुरक्षा रहती है। आमीन। और ये सुरक्षा तब भी थी जब अयूब था। अयूब के बारे में बाइबल के इतिहासकार कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं कि ये बाइबल की पहली पुस्तक थी अयूब, और ये शायद अब्राहम के समकक्ष ही हुआ करता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो अयूब के लिए उसने क्या कहा था, आप अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटाओ फिर देखो, फिर वो आपके खिलाफ बोलता है कि नहीं बोलता है। मतलब उसकी पूरी स्ट्रेटेजी सिंस बिगनिंग यही है कि इंसान अपने प्रभु यीशु के खिलाफ जाए, अपने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ जाए, ताकि जो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं उनको ना पा सके। और इसके लिए वो जितनी उसके पास तीर हैं तरकश में, निराशा का, बीमारी का, कमी घटी का, या जो भी जितने भी उसके पास गंदे तीर हैं, वो सब आजमाता, एक भी नहीं छोड़ता है, कि आप किसी तरह से या तो यीशु से सवाल करने लो, अरे प्रभु क्या अभी तक नहीं किया, कब करोगे, या तो ये करो या उसके कहने को इनकार कर दो। आज्ञा ना मानना बाइबल का सबसे पहला पाप है और सबसे बड़ा अपराध है। Yes. पूरी बाइबल में कहना ना मानना सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ तक कि नए नियम में जब यीशु उदाहरण दे रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि एक पिता के दो पुत्र थे, एक से कहा जाओ खेत में काम करो, उसने बड़े मजे से हाँ हाँ मीठा मीठा बोला, हाँ हाँ जाता हूँ पापा, गया नहीं। दूसरे ने कहा अरे क्या पापा काम बताते रहते हो, मैं नहीं जाऊँगा। फिर सोचा नहीं पापा ने बोला है करना है, चला गया। तो आज्ञा किसने पूरी करी, दूसरे वाले ने। यीशु ने उदाहरण दिया है बाइबल में, पढ़ा होगा आपने, यीशु ने यह उदाहरण दिया कि जो कहना मानता है, जो आज्ञा पूरी करता है, उस पर आशीष आती है। और एक चीज, लहू का जो बाड़ा है वो शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रूस पे उसको हराया है। कुलसियों में लिखा है ना, खुल्लम खुल्ला तमाशा उसका बना दिया, एकदम उसको तमाशबीन की तरह उसका मजाक उड़ा दिया है। सारे अधिकार जो उसने मनुष्य जाति से छीन लिए थे धोखे से, वो यीशु ने वापस लाके दे दिए। इसलिए वो चाहता है कि आप उस लहू के बाड़े की सुरक्षा में ना रहो। इसलिए बुद्धिमान बनो, हर दिन सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, अपने
प्रियजनों पे, अपने ऊपर, अपने घर की चीजों पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी बिल्डिंग में, अपने घर के दरवाजे पे यीशु का लहू लगाना है। कैसे लगाना है? बोल के, मुंह से बोल के, कोई पानी में लेके लाल रंग मिला के नहीं लगाना है, मुंह से बोल के, क्योंकि वो लहू सर्व सामर्थ्य है हमेशा के लिए। प्रभु मैं अपने ऊपर आपका लहू लगाता हूँ, लगाती हूँ। प्रभु मैं अपने बच्चों पे आपका लहू लगाती हूँ, लगाता हूँ। मैं अपने पति पे, अपनी बेटी पे, अपने बीवी पे, अपनी नौकरी पे, अपने बैंक बैलेंस पे, अपने स्टोर हाउस पे आपका लहू लगाता हूँ। प्रभु मैं अपनी गाड़ी पे आपका लहू लगाता हूँ। प्रभु मैं अपने बिल्डिंग के मेन गेट पे, क्योंकि वो बिल्डिंग सबकी है, उसमें बहुत से आपको पता है पूजा पाठ वाले लोग भी आते हैं और बता चुके हैं कि उनके साथ क्या रहता है। तो उनका वो जैसे मेड आती है समझो हमारे घर में, अब वो किसी और चीज को मानने वाली है, तो उसके साथ उस तरह के दूत हैं। तो हम हर दिन ये प्रार्थना करते हैं कि बिल्डिंग के मेन गेट पे लहू लगाते हैं, ताकि जैसे ही ये हमारे घर आने के लिए लिफ्ट में कदम रखेगी, इसके वो वाले जो है आत्मिक शक्तियां वो वही छूट जाएंगी, लहू के बाड़े को लांग के इसके साथ हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे। बुद्धिमान बनो, हर दिन यीशु के लहू की सुरक्षा कवरिंग दो। घर से छोटे से काम के लिए भी अगर निकलते हो, सिंस बिगनिंग बच्चों को याद है डालो, हमने इसको याद है डाली थी, हम एयरफोर्स में तो हमारे क्वार्टर के सामने ही पार्क था, लेकिन नहीं, घर से निकलना है प्रार्थना करके, यीशु के लहू में अपने आप को छुपा के निकलना है, और वहां पे उस एरिया में भी लहू लगाना है। थोड़ी दूर पे जा रहे हो, जैसे हम कहते हैं हेलमेट लेके चलना है, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी, ये एक दुनिया का बनाया हुआ गवर्नमेंट का नियम है हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही ये लहू जो है वो हमारे आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए, जो विजिबल नहीं है बट वो इनविजिबल रूप से हमारी रक्षा करता है। हमेशा प्रार्थना, घर से निकलते समय प्रार्थना करना मत भूलो, चाहे थोड़ी अगली गली में जा रहे हो, गाड़ी पे लहू लगाओ, साथ के व्हीकल सवारों पे लहू लगाओ, अपने ऊपर लहू लगाओ, स्वर्ग दूतों की सेना अपने साथ रिलीज करो, वो तुम्हारे साथ साथ चले। ये बेसिक चीजें हैं जो हर एक विश्वासी को पता होनी चाहिए, एज ए बिगनर पता होनी चाहिए, और आगे बढ़ के तो पता ही होनी चाहिए। लहू का जो बाड़ा है उसको शैतान लांग नहीं सकता है। और एक चीज, परमेश्वर जो है उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको सीधे और सच्चे लोग अच्छे लगते हैं। आमीन। बाइबल, इसीलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो, जब बाइबल पढ़ोगे तो इन चीजों को जानोगे। मरकुस 11 उसका 13-14 वचन पढ़िए। वचन में लिखा है फल का समय नहीं था, फिर भी यीशु ने शाप दे दिया, तो क्या यीशु अन्यायी है? कभी सोचा इस बात पे? तो कभी वचन पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? वचन को समझ के नहीं पढ़ते क्या? सोचते नहीं हो कि ऐसे से ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों किया यीशु ने? सोचते नहीं हो वचन पे कभी? फल का समय नहीं है, खुद ही वचन कह रहा है, और फिर भी शाप दे दिया। यीशु अन्यायी नहीं है, हमें पता है। तो बेचारे पेड़ का क्या दोष था? पेड़ का दोष ये था कि अंजीर के पेड़ का रूल ये है कि उसमें फल और पत्ते एक साथ लगते हैं। फल नहीं है तो पत्ते क्या? यीशु ने दूर से पत्ते देखे, इट मींस यीशु ने, क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसने ही हर पेड़, हर पौधे, हर इंसान, हर जानवर, हर जीव जंतु, हर पक्षी बनाया। उसको पता है कि मैंने अंजीर के पेड़ को ये प्रवृत्ति दी है कि इसके फल और पत्ते एक साथ निकलेंगे। अब वो दूर है, उसने देखा कि अच्छा पत्तों से ढका हुआ पेड़ है तो मतलब अंदर फल होंगे। जब वो पास आया, एक भी फल नहीं, पत्ते तो खूब चमक रहे हैं, तो उसको गुस्सा आया। क्यों? ये एक सिंबॉलिक चीज है, नकली दिखावा। बहुत से विश्वासी जो पुराना मनुष्य तो होता है वो लेके मसीह में आ जाते हैं और वो सुधरते नहीं है वचन पढ़ने के बावजूद, और वो दिखावे में, दिखावे के पत्ते होते हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर तुमको एक इंस्टीट्यूट में डालता है। जब आप आ जाते हो तो चर्च नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट में आप बढ़ते हो, फलते फूलते हो, आगे चलते हो, सीखते, आपके सीखने का एक समय है। जैसे हम कुकर में कुछ सामग्री डाल के पकाते हैं तो उसके पकने का एक समय है। मान लो सीटी जल्दी जल्दी बोल जाए, जब खोल के देखें तो उसके अंदर चावल कच्चा का कच्चा ही है। वही वाली बात होगी ना, दूसरे तरीके से, दूसरा एग्जांपल देके बता रही हूँ। सीखने से पहले ही अगर वो विश्वासी अपने आप को ज्यादा दिखाने लगे कि देखो मुझे तो आता है, पता चला एक बार भी बाइबल पढ़ी नहीं है पूरी। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैं अपने 25 साल के 26 साल के जीवन की गवाही देके बता रही हूँ, एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ी है और उनको भड़ा भड़ सपने और दर्शन आ रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो छलावे आ रहे होंगे। मैं नहीं कहती नहीं आ रहे हैं, कुछ मन से बना के करते हैं, कुछ आते हैं उनको, पर कौन से आत्मा से आ रहे? क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन को ताक लिया कि इनके अंदर महिमा की भूख है, और वो देने लगा, वो देने लगा। अब वो इसी में, मुझे ताज्जुब होता है कि लोग इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ पाते
कि भैया अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैंने एक बार भी बाइबल पूरी पढ़ी, हो सकता है स्टार्टिंग में एक या दो बार परमेश्वर दे दे कुछ इंडिकेशन सपने या दर्शन के, लेकिन हर बार कैसे, मैंने बताया था एक लेडी थी एक जगह कहीं पे, उसको हर बार दर्शन आते थे और फल को पेड़ को कैसे पहचानोगे, यीशु ने कहा फल से पहचानोगे, अंजीर के पेड़ में फल ही नहीं थे, और दूसरे किसी पेड़ को कैसे पहचानोगे जो दिखावा कर रहा, उसके फल से पहचानोगे। उसके जो काम थे वो ऐसे नहीं थे कि लगता हो कि हाँ ये यीशु से बहुत प्यार करती है या यीशु के लिए पंचुअलिटी भी नहीं दिखती थी उनके कामों में, और वो भड़ा भड़ बताते थे। तो जो नए लोग हैं वो तो फंस जाएंगे, लेकिन जिनको अच्छे से गहराई से वचन मालूम है, उनको जो आत्मा का गिफ्ट है डिसर्निंग ऑफ सोल, आत्माओं की परख, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में 8वें वचन से आगे 9 पवित्र आत्मा के गिफ्ट लिखे, उसमें से सबसे पहला यही मांगो, हमने तो सबसे पहले यही मांगा था आत्माओं की परख। तो जब लोग बताते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन सी आत्मा से इनको दिख रहा है। अच्छा उनको बताओ भी, क्योंकि वो उसके कब्जे में, रिमोट कंट्रोल उस वक्त शैतान के हाथ में उनका, तो उनको बुरा लग जाता है, वो सुधर, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते, वो कहते कि अच्छा चर्च नहीं आएंगे और उनको सपने और दर्शन आ रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ेंगे सपने और दर्शन आ रहे हैं। तो हमें समझ में आ जाता कहाँ से आ रहा है, वही दिखावे के पत्ते। पढ़ने का जो समय था बड़े में ही, जब मेरा बच्चा छोटा था, जब मैं बता चुकी हूँ 5 महीने का जब था, तो हमें 5-6 महीने पे चर्च मिली थी, तो इसकी आदत थी सुबह 5 बजे उठ जाता था और रात तक नहीं सोता था, दिन भर आता था, खाना बनाना मुझे मुश्किल होता था, हमेशा बस गोद में लेके बाहर टहलाते रहो। तो मैं मेरे पास्टर को बोलती, मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता। पास्टर बोले 5 बजे उठता है ना, तुम 4 बजे उठ के बाइबल पढ़ो, कोई बहाना नहीं। हमको बहुत अच्छा हुआ कि स्ट्रिक्ट पास्टर मिले, और हमको परमेश्वर ने इतना नम्र रखा कि हमने उनके कमांड को लिटरली फॉलो किया। उन्होंने बोला 5 बजे उठता है ना, 4 बजे उठो, 1 घंटा उसके उठने से 1 घंटा पहले उठो, बाइबल पढ़ो, उसके बाद अपने दिनचर्या में लगो। कोई बहाना नहीं कि बच्चा जान खाता है, कि पैपै करता रहता है, कि टाइम नहीं मिलता, कोई बहाना नहीं। पढ़ो बाइबल, पढ़ोगे तो इन चालों को जो बता रहे हैं ना, इनको अपने आप समझोगे। कब? जब बाइबल पढ़ोगे। लूका 13 उसका 6-9 तक वचन पढ़िए। उसने इसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चालों को उत्तर खाता हूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काटता रहा। ये पिता और यीशु के बीच का सिंबॉलिक संवाद है, और वो जो पेड़ है वो हम लोग हैं। अगर नकली दिखावा करने लगेंगे तो परमेश्वर गुस्सा होता है, क्योंकि उसको दिखावे से, झूठ से नफरत है। दिखावा का मतलब क्या है? झूठ, झूठा दिखावा। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहे हैं, मान लो आज हमको चर्च आते हुए 6 महीने हो गए फॉर एग्जाम्पल, और फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं, टाइम से चर्च नहीं आ रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, बहाना बना रहे हैं, सुबह शाम की फैमिली प्रेयर नहीं शुरू की है, तो एक बार फिर माफी है। परमेश्वर विनती करता है पिता से कि पिता 1 साल और दे दो, थोड़ा टाइम और दे दो, अब ये सुधरेगा, अब ये बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, अब ये टाइम से चर्च आएगा, अब ये सुबह शाम की प्रार्थना करेगा, अब ये करेगी। तब वो दयालु पिता है, वो हमारे ना बढ़ने को तो बर्दाश्त करता है, पर झूठ को नहीं, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। फॉर एग्जाम्पल, झूठे दर्शन कैसे, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर, कोई पति, या चलो पति नहीं, लेडी को मान लो, कोई लेडी है, उसको सपने आते हैं और उसके अंदर शैतान ने ये पकड़ लिया कि इसके अंदर महिमा की भूख है। अब वो उसको सपने दिखा रहा है कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है, या तुम्हारी सास ऐसा कर रही है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा प्रॉपर्टी में तुम्हारा ऐसा छीन रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो हस्बैंड वाइफ का ले लेते हैं, दूसरी शादी कर रहा है। अब वो लेडी क्या करेगी, क्योंकि उसको ये गुमान है कि मुझे तो प्रभु ही सपने दिखा रहा है, वो ये जानने की कोशिश, क्योंकि उसके अंदर क्या है, शैतान ने देख लिया महिमा की भूख है। अब वो अपने पति से राशन पानी लेके चढ़ाई शुरू कर दे, लड़ने लगे, है तो दूसरी शादी करने जा रहा, मुझे प्रभु ने दिखा। वो बेचारा कह रहे, भैया मैंने तो किसी को आग उठा के भी नहीं देखा, तुमको कौन सपने दिखा रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं। तो सोचो ऐसे, और शैतान को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि दोनों के बीच गुत्थम गुत्था लड़ाई हो गई, और वो इस चीज को समझने ही नहीं। अच्छा अगर ऐसा गलत सपना आया तो तुम सोचो तो सही कि वो कह रही ना परमेश्वर वार्निंग, अगर परमेश्वर वार्निंग दे रहा होता तो परमेश्वर तुमको ही बताता कि भैया प्रार्थना करो, काटो अपने पति के लिए, प्रार्थना करो, तुम लड़ने लगी। नहीं, मुझे तो प्रभु ने दिखाया है, मुझे तो प्रभु ने दिखाया, एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। तो इस तरीके के खेल खेलता है, इसलिए प्रभु को झूठ से दिखावे से नफरत है। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर भी वो मौका देता है कि अच्छा अभी तक बाइबल नहीं पढ़ा था, अब तो पढ़ो,
इतनी बार चर्च में बोला जाता है चलो अब पढ़ने लगेगा, चलो अब ये पढ़ने लगेगी, अब ये प्रेयर शुरू कर देगी, अब ये ज्यादा टाइम देगी। अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो अब ये एक घंटा देगी, अब ये एक घंटा देगा, बढ़ाएगा, अभी समझ समझ के पढ़ेगा। आमीन। न्यूज़पेपर की तरह नहीं, बाइबल को एक लव लेटर की तरह पढ़ो। सच में ये लव लेटर है हमारे प्रेमी पिता का हम बच्चों के लिए। ये वसीयत नामा है। इसको विल क्यों कहते हैं? ये वसीयत नामा है, टेस्टामेंट, वसीयत है, ये विल है। परमेश्वर ने हमारे लिए जागीर छोड़ी है इसमें। जब समझेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, नहीं तो शैतान ऐसे ही बुद्धू बनाता रहेगा, कभी अंधविश्वास के आत्मा के द्वारा, कभी उल्टे। अंधविश्वास का भी एक आत्मा होता है ना, ठीक उसी तरह से आजकल चर्चेस के अंदर एक कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट काम करता है कि नहीं नहीं चलता। पास्टर लोग मैं देखती हूँ सच बोलते ही नहीं है। जैसे मैंने कानपुर का बताया था अपने ननंद के यहाँ का, सच बोलते ही नहीं है कि नहीं नहीं चलता है, कोई बात नहीं, ईश्वर के नाम से प्रार्थना, मूर्ति पे प्रसाद, कोई बात नहीं, ईश्वर के नाम से प्रार्थना करो, खा लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमको बर्फी में चूहे मार के दवा मिला के दूंगी और बताऊंगी कि इसमें जहर है, प्रार्थना करो और खा लो। खा लोगे? नहीं नहीं खा लेंगे। खा लोगे? खा लोगे? चूहे मार के दवा मिठाई में, फेवरेट मिठाई में मिला के दूंगी, खा लोगे? आजकल ये कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। नहीं नहीं मूर्ति पे चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। कहाँ लिखा है? उसमें तो लिखा है कि तुम्हारा भाई ठोकर खाए तो नॉनवेज भी खाना छोड़ दो, वहां तो ये लिखा है। उल्टा अर्थ घुमा के जो बताए, समझ लेना कौन से स्पिरिट से वो गाइडेड हो रहा है, वचन का जो उल्टा अर्थ घुमा के बताए। क्योंकि शैतान यही करता आया है सिंस बिगनिंग, ईडन गार्डन से लेके यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा था उसने। Yes. उनको भी उल्टा अर्थ घुमा के ही बता रहा था। इसलिए इन अंतिम दिनों में अब बुद्धिमान हो जाओ। कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट जो थी ये पेरगमुन की कलीसिया में थी और ये बहुत ही खतरनाक चीज थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनको डांटा था। ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट से तुम चल रहे हो वो अच्छी चीज नहीं है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब हम हमेशा सही तरीके से बाइबल भी समझते हैं, सही तरीके से जीवन जीना भी शुरू करते हैं। जैसे बीते दिनों कम्युनियन के लिए समझाया गया था, अभी यहूदा इस्करियोती तो वही था, यीशु की प्रेजेंस में कम्युनियन साक्षात यीशु के हाथों से ले रहा था। यीशु ने उसको मौका दिया था, यीशु ने कहा था, हिंट दी थी कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। वो चाहता तो पश्चाताप वही के वही करके गिड़गिड़ाता, पूछ रहा था ना पत्रस और योहन्ना, पूछ रहा था पत्रस ने पूछो, योहन्ना ने पूछा प्रभु कौन है कौन है, पूछ रहा था ना। उसी समय वो अपने आप को बचा सकता था, उसने गलत अनुचित रीति से कम्युनियन खाया और लिखा है वचन में खाते ही शैतान उसमें समा गया, खाते ही लिखा है। यीशु ने मौका दिया था, यीशु हर किसी को मौका देते हैं। आप इसीलिए कहते हो वचन ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक बिंदु ध्यान से पढ़ो, वहां पे ये चीजें लिखी हुई हैं। एक्स चार का, प्रेरितों के काम का 36 और 37 पढ़िए। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, दान के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अभी 5:1 पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दान में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पत्रस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। इन्होंने ऐसा क्यों किया पता है? किस चीज ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया? झूठी महिमा। इससे पहले जस्ट ऊपर चैप्टर के लास्ट में, 4th चैप्टर के लास्ट में लिखा है कि उसने जमीन बेची बरनबास ने और दे दी। उसने पूरा, उसने शुद्ध मन से किया, उसने दिखावे के लिए नहीं किया, उसने पूरा का पूरा पैसा चर्च में दान दे दिया। तो अब जब जाहिर सी बात है प्रभु के काम के लिए दिया है तो सेवकों का ये फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति के लिए एटलीस्ट क्लैपिंग तो करवाएं, एटलीस्ट उसकी गवाही तो दें, एटलीस्ट उसकी तारीफ तो करें। आमीन। तो सब में उस बरनबास का बड़ा आदरमान हो गया, लोगों ने कहा कि भाई ये तो देखो कितना सच्चा शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा में दे दिया। तो उनको लगा अच्छा ऐसी बात है, ऐसे करेंगे तो हमारी भी महिमा होगी। नकल, इसीलिए कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत है। उसकी नकल करी
अब लेकिन उनके मन में उस वरणवास से शुद्ध मन से भेज के दिया, इनके अंदर था लालच। शैतान ने उस लालच को पकड़ लिया और इनको झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। अंदर से पकड़ता है, भावनाओं में सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है, इसलिए अपनी भावनाओं पे यीशु का लहू लगाओ। कुरिन्थियन सेकंड, आई थिंक सेकंड कुरिन्थियन 10 में लिखा है, 4 और 5 में, हर एक भावना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है उसको कैद करके मसीह का दास बना देते हैं। हर एक भावना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है उसको कैद करके मसीह का दास बना दो। मसीह की पहचान कैसे पता चलेगी? जब बाइबल पढ़ोगे। इसीलिए कहते हैं कि बिरिया के क्रिश्चियन बनो, जो पौलुस महान भी प्रचार करके जाता था उसका वचन मिलाते थे बाइबल से। अगर आप यूट्यूब पे 20 लोगों को सुन रहे हो और बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप हमेशा गड़बड़ डॉक्ट्रिन में ही जियोगे, ये मैं लिखित गारंटी दे सकती हूँ। इसलिए बाइबल रीडिंग बहुत जरूरी है। यूट्यूब के मैसेज सुनो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो मैसेज सुनना आपके आत्मिक जीवन में 0.1% भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। जब बाइबल पढ़ोगे तब उन प्रचारकों के मैसेज को आप बाइबल के फिल्टर से छानोगे बिरिया के क्रिश्चियन की तरह, और तब रॉन्ग डॉक्ट्रिन में नहीं पढ़ोगे, तब बाइबल के एंगल से उनके प्रचार को समझोगे कि नहीं नहीं भले ही ये बहुत बड़ा प्रचार है पर यहाँ ये बात इसकी सही नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो, नहीं तो उनकी बताई हुई डॉक्ट्रिन कभी इधर फॉलो करोगे कभी उधर फॉलो करोगे। इसलिए बाइबल पढ़ो ताकि भरमाए ना जाओ। बहुत पहले पिछली बार पढ़ाया था इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों के भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से, एक उपदेश ऐसा दे गया प्रचारक, दूसरा उपदेश ऐसा दे गया प्रचारक, झूला झूल रहे, नहीं ऐसा होता है। मत करो ये कब करना बंद होगा? जब बाइबल पढ़ोगे। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो उपदेश के झोंकों से झूलते रहोगे। सब वचन में लिखा, मैं अपना कुछ नहीं बोल रही, वचन में लिखा है। आज तुम लोगों को समझ में आएगा एटलीस्ट कि हमें बुद्धिमान बनना है और बाइबल क्यों पढ़नी, ताकि हम किसी के द्वारा बहकाए ना जा सके। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अन्य भाषा बोलते थे, और वो जो इस समय मुंबई में है सबसे बड़े अन्य भाषा के खिलाफत वाले, बोलना छोड़ दिया है और बड़े मजे से टेस्टिमनी दे रहे हैं उसको कि पास्टर जी हम तो पहले बोलते थे, हमने बोलना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं, इसलिए उपदेश के झोंके से झुलाए जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए प्रचारकों के द्वारा भरमाए जा रहे हैं। पढ़ोगे तो बेस सॉलिड रहेगा वचन में, फिर कोई तुमको बहका नहीं पाएगा कभी भी, कोई भी कितनी भी डॉक्ट्रिन लेके आ जाए। लालच था उनके अंदर, ठीक है। उसी तरह से मत्ती 22:11-14 में लिखा है विवाह के वस्त्रों के बारे में कि वो व्यक्ति अंदर आ तो गया था, ठीक। इसी तरह ये हन्ना सफीरा अंदर आ तो गए थे, हनन्या और सफीरा, लेकिन विवाह योग्य वस्त्र मतलब उनके अंदर आत्मा के वो फल। विवाह के वस्त्र क्या है? आत्मा के फल। मत्ती 7:21 भी लिखा है कि मुर्दे भी जलाए तो इनकार कर देंगे। उसका मतलब यह है कि मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूं कि सुन लीजिए बाद में डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि आत्मा के वरदान यहाँ पर परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो नया बंदा होगा वो कोई आश्चर्यकर्म देखेगा तभी तो आता है प्रभु में। जनरली 80% लोग ऐसे ही आते हैं, 20% वो होते हैं जो सत्य की खोज में होते हैं, सच्चे परमेश्वर को मेरे जैसा ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वरदान इस धरती के लिए, आत्मा के फल वो वस्त्र है विवाह के जो तुमको स्वर्ग में प्रवेश दिलाएंगे। आमेन। ये बात मैं बार बार बताती हूँ, ये प्रकाशन याद रखो। और इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है ताकि हम आत्मा के फलों में बढ़ें। रॉन्ग डॉक्ट्रिन से तो बचें ही बचें, आत्मा के फलों में भी बढ़ें।